हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। नाउ इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब ऑल्टरनेटिंग करंट रेजिस्टर या कैपेसिटर या इंडक्टर से जब फ्लो करता है तो कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि एसी, व्हेन एसी फ्लोज थ्रू रेजिस्टर देन व्हाट हैपेंस। सो बेसिकली सपोज यू हैव ए रेजिस्टर, एक रेजिस्टर है सर्किट पे और एक एसी सोर्स है। ठीक है, अब एसी सोर्स का जो ईएमएफ है वो मान लेते हैं ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, अच्छा, अब जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट आई, तो ओम्स लॉ अगर अप्लाई करते हैं तो करंट क्या हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय आर, जो कि होगा E क्या है, E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई आर। तो इसको मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू E नॉट डिवाइड बाई आर साइन ओमेगा टी। अच्छा, ये जो टर्म है ईएमएफ का, उसमें ये पीक ईएमएफ टर्म है, तो इसका मतलब ये अगर करंट का टर्म है तो इसमें ये जो टर्म होगा ये पीक करंट का टर्म होगा। तो इसी यहां पे मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, जो कि I नॉट क्या है, I नॉट का वैल्यू होगा E नॉट बाय R। अब अगर ये दोनों एक्सप्रेशन को हम ध्यान से देखें तो इसमें जो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा T, करंट का एक्सप्रेशन क्या है I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा T, तो इसका मतलब जो EMF है और वो जो करंट है ये दोनों सेम फेज में होंगे, ये दोनों एक साथ इंक्रीज डिक्रीज होंगे। तो अगर इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ये अगर EMF का ग्राफ है, ठीक है, ये अगर ईएमएफ का ग्राफ है फॉर ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसका जो पीक वैल्यू होगा वो प्लस ई नॉट माइनस ई नॉट होगा। तो जो करंट का ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा, क्योंकि ये सेम फेज में है तो दोनों एक साथ ही इंक्रीज डिक्रीज होंगे, बट जो करंट का जो पीक वैल्यू होगा वो ईएमएफ के पीक वैल्यू से छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि जो ईएमएफ का पीक वैल्यू है वो है ई नॉट, जो करंट का पीक वैल्यू है वो है ई नॉट डिवाइड बाय आर, तो इसका पीक वैल्यू कम होगा, तो इसीलिए ये ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ ईएमएफ विद टाइम, दिस इज द वेरिएशन ऑफ करंट विद टाइम, बट ये जो वेरिएशन होगा ये दोनों सेम फेज में होगा, इन दोनों का फेज सेम है। ठीक है, तो ये हो गया एसी थ्रू रेजिस्टर, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट जब रेजिस्टर से फ्लो करेगा तब ईएमएफ और जो करंट होगा वो दोनों सेम फेज में होंगे, वो दोनों सेम फेज में वेरी करेंगे। तो ये हो गया एसी थ्रू रेजिस्टर। सो नेक्स्ट अभी देखते हैं कि अब एसी थ्रू कैपेसिटर अगर फ्लो करेगा तब कैसा बिहेवियर होगा। तो ये एसी सोर्स है और ये कैपेसिटर है, एसी सोर्स कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया, तो इसका जो ईएमएफ है मान लेते हैं ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो सी है, तो हमको पता है कि अगर इसमें जो चार्ज है वो जो चार्ज कैपेसिटेंस और ईएमएफ, इसमें अगर चार्ज क्यू चार्ज है, अगर इसमें क्यू चार्ज है इस कैपेसिटर में, तो जो कैपेसिटर का चार्ज कैपेसिटेंस और वोल्टेज या ईएमएफ के बीच में रिलेशन था क्या था, क्यू इज इक्वल टू सी वी था। ठीक है, अगर हमारा जो वी है वो सिर्फ ईएमएफ है तो सी ई लिखेंगे। ठीक है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ई क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, सो ये हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस चार्ज है, मतलब ये इस टाइम में इतना चार्ज होगा। ठीक है, अच्छा, अगर हमके चार्ज के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन का पता चल गया, हमको चाहिए क्या करंट के बारे में इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो चार्ज से करंट कैसे निकालेंगे, आई करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो अगर इसका डी क्यू बाई डी टी निकालते हैं तो I इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ सी ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो I इक्वल टू कितना होगा, सी ई नॉट कॉन्स्टेंट है तो इसको घर से निकाल दिया, घर से बाहर फेंक दिया। ठीक है, फेंका नहीं मतलब बाहर रखा है, साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करना है, साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी आएगा। ठीक है, साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट किया, कॉस ओमेगा टी आया,
फिर ओमेगा टी को डिफरेंशिएट किया, क्या आ गया ओमेगा। सो इसको कैसे लिखते हैं, आई इज इक्वल टू ओमेगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा तो अगर ये इस ये जो इक्वेशन है इसको मैं इस फॉर्म से अगर लिखूं, आई इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाय वन बाय ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब बोलोगे यार क्यों ऐसे लिखा, व्हाट इज द रीजन, रीजन इज सी देखो जो करंट है, करंट होता है वोल्टेज डिवाइड बाय ए टर्म विच अपोजेस द करंट। तो यहां पे ये जो फॉर्म है इसको मैं अगर इस फॉर्म में लिखता हूं तो ये जो ऊपर वाला टर्म हो गया ये वोल्टेज वाला टर्म हो गया, और जो नीचे वाला टर्म हो गया ये टर्म ऐसा टर्म है जो मतलब इस करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट को अपोज करेगा, ठीक है। अच्छा रिगार्डिंग दिस कॉस ओमेगा टी टर्म, नाउ कॉस ओमेगा टी को मैं लिखता हूं क्या, आई इज इक्वल टू ई नॉट ये हो गया वन बाई ओमेगा सी, जो कॉस ओमेगा टी टर्म है इसको तो हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू, ठीक है। अच्छा अब ये लिखने से क्या हो गया, देखो अब ये जो टर्म है ई एम एफ का जो टर्म था ई एम एफ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये जो टर्म था ई नॉट ये था पीक ई एम एफ, तो इसका मतलब ये जो टर्म है वो टर्म क्या होगा, ये करंट है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के साथ जो टर्म रहेगा वो पीक करंट का टर्म होगा, क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है इसका जो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मतलब प्लस वन हो सकता है या माइनस वन होगा, तो ये अगर प्लस वन माइनस वन होगा तो उस समय करंट का वैल्यू ऊपर मैक्सिमम वैल्यू नीचे मैक्सिमम वैल्यू होगा, उसका ये जो टर्म होगा ये मैक्सिमम वैल्यू होगा पीक वैल्यू होगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, ठीक है। सो इसमें हम लोगों का पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है कि जो ई एम एफ का टर्म है वो है ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट का टर्म जो है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, ये जो टर्म है ये फेज का टर्म है तो इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना हो गया पाई बाई टू, और करंट क्या हो गया, करंट आगे है, इसका मतलब करंट इससे पाई बाई टू एंगल आगे है। सो यहाँ पे करंट इज अहेड ऑफ ई एम एफ बाई फेज एंगल ऑफ पाई बाई टू। अच्छा अब ये जो I नॉट है इसका अभी जो कहानी है इसको भी अभी थोड़ा देखना है, तो I नॉट इक्वल टू क्या है, I नॉट इक्वल टू क्या है E नॉट डिवाइड बाई वन बाई ओमेगा सी, ठीक है। अब ओम्स लॉ से अगर इसको कंपेयर करें तो इसका मतलब ये जो करंट है ये वोल्टेज टर्म है, तो ये जो टर्म होगा ये ऐसा टर्म है जो मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट को अपोज करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक नाम देंगे एक्स सी, इसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या चीज है, इट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट कैपेसिटर का वो टर्म जो मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट को अपोज करता है उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जैसे रेजिस्टर हो गया, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस, वैसे ही कैपेसिटर का वो टर्म जो ऑल्टरनेटिंग करंट को अपोज करता है उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इसका मतलब जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया वो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, वन बाई ओमेगा सी, एक्स इक्वल टू वन बाई ओमेगा सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखने लायक चीज क्या है, देखो कि जो ओमेगा है ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब जो डीसी होता है, डीसी के लिए ओमेगा वैल्यू क्या होता है, जीरो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज जीरो, डीसी करंट तो ऐसा स्ट्रेट करंट वो कोई वेरिएशन नहीं होता है। तो अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी जीरो हो गया तो एक्स ई क्या हो जाएगा, एक्स ई तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर जो कैपेसिटर है वो डीसी को अलाउ नहीं करता है, डायरेक्ट करंट को कैपेसिटर ब्लॉक करेगा, किसको अलाउ करेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट को अलाउ करेगा, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है। सो एक चीज तो हमको समझ में आ गया कि कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करेगा, दूसरा चीज क्या समझ में आया कि यहाँ पे ईएमएफ और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई बाई टू, कौन आगे है, करंट ईएमएफ से 90 डिग्री आगे है, तो ये हो गया फेज डिफरेंस का बात। अच्छा सिंस इनके बीच में जो फेज डिफरेंस पाई बाई टू है तो इसका जो अगर मैं ईएमएफ को लिखता हूँ ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट को आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये तो कॉस ओमेगा टी था, या फिर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू इस फॉर्म में अगर लिखता हूँ तो इनके बीच में फेज डिफरेंस पाई बाई टू हो गया। तो अगर ये हो गया ईएमएफ का वेरिएशन तो करंट का वेरिएशन ऐसा होगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, जब ईएमएफ मिनिमम होगा करंट मैक्सिमम होगा, जब ईएमएफ मैक्सिमम हो गया करंट मिनिमम आ गया, ठीक है। सो इनके बीच में फेज डिफरेंस पाई बाई टू का होगा,
सो ये हो गया एसी थ्रू कैपेसिटर. सो नेक्स्ट अब देखते हैं कि एसी इंडक्टर में जब फ्लो करता है तब उसका बिहेवियर कैसा होता है. तो यहाँ पे ले लिया एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का सोर्स ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और एक ये इंडक्टर है इसका इंडक्टेंस एल है. ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू हमारा क्या था, ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी था. ठीक है, ये हम लोग इक्वेशन पहले देख चुके हैं, ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. ठीक है, तो अब ई क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, सो दिस इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है, तो यहां से डी आई इक्वल टू क्या मिलेगा, ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी. तो ये हो गया डी आई. तो इससे अगर आपको आई चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. सो अगर दोनों साइड में इंटीग्रेट करें तो इसको ये क्या बनेगा, आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू ई नॉट बाई ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी. ठीक है, सो ये क्या हो गया, इसको लिखते हैं आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई ओमेगा एल. ठीक है, फिर ये माइनस कॉस ओमेगा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. तो यहाँ पे अगर फिर इसको अगर इसके साथ कंपेयर करके देखें तो ये जो टर्म है ये पीक ईएमएफ का टर्म है, तो इसका मतलब ये जो टर्म होगा ये पीक करंट का टर्म होगा. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ये जो टर्म था ईएमएफ का टर्म था इसका फेज साइन ओमेगा टी, इसका जो फेज है वो है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. इसका मतलब यहाँ पे करंट पीछे होगा ईएमएफ के कितने बाय एंगल ऑफ पाई बाई टू. तो इसका फेज एंगल इससे पाई बाई टू पीछे होगा, करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई टू. ठीक है, अच्छा ये जो टर्म है आई नॉट, ये आई नॉट की जगह किसकी जगह पे आया है, यह है ई नॉट बाई ओमेगा एल, ई नॉट बाई ओमेगा एल. फिर इसको अगर ओम्स लॉ के साथ कंपेयर करके देखें तो करंट इक्वल टू ये वोल्टेज वाला टर्म है और ये क्या टर्म है, ये टर्म वो टर्म है जो इस करंट को अपोज करता है. ठीक है, तो इंडक्टर के लिए ये टर्म जो होगा ये दिस इज द टर्म विच अपोजेस द ऑल्टरनेटिंग करंट. ओके, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एल, एक्स एल सब्सक्रिप्ट एल. इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस. सो एक्सएल इक्वल टू क्या हो गया, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल. ठीक है, अब यहां पे अगर हम लोग देखें तो डीसी के लिए ओमेगा इक्वल टू जीरो, डीसी के लिए ओमेगा जीरो है, तो ये अगर जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो गया, मतलब डायरेक्ट करंट को इंडक्टर अपोज नहीं करेगा, बिल्कुल अपोज नहीं करेगा. डायरेक्ट करंट अगर फ्लो करेगा इंडक्टर से तो इंडक्टर विल बिहेव लाइक ए नॉर्मल कंडक्टर. ठीक है, मगर ऑल्टरनेटिंग करंट को ईएमएफ अपोज करेगा, ब्लॉक नहीं करेगा मगर अपोज करेगा. ठीक है, और वो जो अपोजिशन वाला टर्म है वो क्या टर्म है, ओमेगा एल, इट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस. ठीक है, तो ये हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में टर्म. अच्छा, ये जो फेज का बात है तो यहाँ पे तो करंट कितना है, ये ईएमएफ से पाई बाई टू एंगल पीछे चल रहा है. ठीक है, सो हियर करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई टू. सो इसका ग्राफ कैसा होगा ये देख लेते हैं. तो इसका ग्राफ कुछ देखने में ऐसा होगा, क्योंकि ईएमएफ इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो करंट पाई बाई टू पीछे होगा. तो जब ईएमएफ जीरो होगा तब करंट मैक्सिमम होगा बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन. ठीक है, और जब ईएमएफ मैक्सिमम हो गया करंट जीरो होगा. ठीक है, सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ करंट एंड दिस इज द वेरिएशन ऑफ ईएमएफ. सो ये हो गया एसी थ्रू इंडक्टर. तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, इसमें देखा कि हम लोग सेपरेटली एसी फ्लोस थ्रू रेजिस्टर, एसी फ्लोस थ्रू कैपेसिटर, एसी फ्लोस थ्रू इंडक्टर, सिंगल 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 केस में क्या होता है. अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर इंडक्टर और कैपेसिटर एक साथ हैं या कैपेसिटर और रेजिस्टर एक साथ हैं तो दो दो टर्म अगर एक साथ है
तब कैसा होगा, और तीनों अगर इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर तीनों एक साथ है तब ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे बिहेव करेगा, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।